डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 1.5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे थ्योरम नंबर 1.5 क्लास 10। तो यहाँ सबसे पहले तो आप लोग थ्योरम को कंसेप्ट लेते नहीं हो, आप क्या करते हो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को करते हो। तो थ्योरम का अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो क्वेश्चंस को आप कर लोगे, बट अगर क्वेश्चंस घुरा के दे दे तो फिर क्या करोगे आप, वहाँ पे फंस जाते हो, ठीक है ना। तो थ्योरम को कंसेप्ट आपका क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखोगे अब थ्योरम नंबर 1.5 क्या है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स कोई एक नंबर है, वो कैसा है भाई, रेशनल नंबर है, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में है। उस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, अब ये टर्मिनेट्स आप लोग पढ़ के आए हो, क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, टर्मिनेट्स। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम मीन्स जिसका एस सी एफ, पी और क्यू का एस सी एफ क्या होगा, वन होगा, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, अब ये जो डिनोमिनेटर जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यू, ये कैसा है, ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n एंड देन इनटू 5 to the power m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम नंबर 1.5 ये बोल रहा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर लेते हो तो उस का अगर फॉर्म अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर उसको डिवाइड करते हो तो क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट डिवाइड, दैट मीन्स टर्मिनेट्स है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर जो पार्ट होगा 2 to the power n एंड देन इनटू 5 to the power m के फॉर्म में होगा, और m और n क्या होगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखोगे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 33/100 रेशनल नंबर है, तो बोलोगे हाँ ये एक रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ ये नीचे वाला जीरो भी नहीं है, क्लियर हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करें इस तरह से, अगर आप अब डिवाइड करोगे, अब ये तो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट दैट मीन्स एक जीरो आप कभी भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखोगे ये एक पॉइंट देने का मतलब यहाँ एक जीरो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जाएगा 3 times, 100 को 3 से इंटू करोगे ये होगा आपका 300, रिमाइंडर आ जाएगा आपको, ये जीरो हो गया और ये कैंसिल होगा, तो यानी इसको माइनस करोगे तो ये 3 यानी 30 आया। अब देखो यहाँ पॉइंट दिए हो, अब ये तो डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो आप लगा सकते हो, एक पॉइंट के लिए आप एक जीरो जब भी डिवाइड ना हो आप लास्ट में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक जीरो हम लोग पुट किए, अब ये 100 है, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 त्रिजा हो गया 300, अब ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.33। तो इसको आप लिख सकते हो 0.33, ठीक है। तो देखोगे 0.33 दैट मीन्स ये क्या है, अब ये बोलोगे कि ये टर्मिनेट्स है ना, पूरा कंप्लीट डिवाइड हुआ तो ये है टर्मिनेट्स, यही बोला आपको क्वेश्चंस में। तो अब उसके बाद ये भी बोल रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर अगर वो टर्मिनेट है, दैट मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, तो नीचे वाला जो पार्ट है दैट मीन्स 100 आपका ये है ना पी बाई क्यू, यानी क्यू, क्यू इज ऑफ द फॉर्म किस पर में होगा, 2 to the power n एंड देन इनटू 5 to the power m। तो इसको अभी हम लोग चेक करेंगे ये हो रहा है या नहीं। तो देखोगे अब 100 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, ठीक है। तो ये गया 2 से 50, अगेन 2 से जाएगा 25, अगेन 5 से करते हैं 5, और फिर 5 से ये 1। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 to 5 5, तो इसको आप लिख सकते हो 2 into 2 into 5 into 5, दैट मीन्स हो गया ये हो गया 2 square एंड देन इंटू ये हो गया 5 square, ठीक है। अब ध्यान दोगे 2 to the power n एंड देन इंटू 5 to the power m है ना, ये 2 का power 2 और 5 का power 2 है, और n और m क्या होना पड़ेगा, बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स पॉजिटिव,
तो ये पॉजिटिव है ना। तो याद रखोगे कि जब भी अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो दैट मीन्स टर्मिनेट है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी q, वो किस फॉर्म में होगा, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 1.5। मैंने एग्जांपल के साथ पूरा कंसेप्ट को क्लियर करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 1.6 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।